good morning student myself minakshi your biology teacher uh, so today uh, we're going to discuss about uh, meiosis in detail so let's start uh, i'll give you some brief introduction about the meiosis that in the previous class we have learnt about the mitosis and i told you that there are two cell division which, uh, which takes place in the organism for the cell division one is mitosis which we have just completed

ठीक है उसके बाद जो माइस जो मायोसिस है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था वैन बाय वैन बेंडन क्लियर सो इन द डिटेल इट वाज एक्सप्लेन बाय द वैन बेंडन अब जनरली जो मियोसिस है वो हमारे स्पेशल लाइज जो सेल्स हैं उन्हीं के अंदर परफॉर्म होता है और उन सेल्स को हम बोलते हैं मीओसाइट्स क्लियर सो बिफोर जनरली कोई भी सेल जब डिवाइड करता है तो उसको एक इंटरफेस से गुजरना पड़ता है सो बिफोर एंटरिंग इन टू द मियोसिस क्लियर सो मियोसिस सम वॉट सिमिलर टू माइटोसिस इन केस ऑफ दो वेरियस स्टेजेस लाइक प्रोफेज एनाफेज टीलोफेज राइट सो बेसिकली मियोसिस के अंदर यहाँ पे अब टू सब डिविजन्स आती हैं जो कि माइटोसिस में नहीं होती हैं माइटोसिस में बेसिकली आपको चार फेजेस बता दिए गए थे बेसिकली uh, जो हैं हमारे प्रोफेज़ एनाफेज़ मेटाफेज टीलोफेज राइट सो यहाँ पर हम उनको सब डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग फेजेस के अंदर मियोसिस वन एंड मियोसिस टू जो आपकी जो आपको माइटोसिस में देखने को नहीं मिले थे सो मियोसिस वन के अंदर आएंगे आपके प्रोफेज़ वन एन मेटाफेज़ वन एनाफेज़ वन टीलोफेज़ वन राइट right? और इसी तरह मियोसिस टू में भी आपके आएंगे प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू एंटीलोफेस टू क्लियर अब हमारा जो ये मियोसिस है बेसिकली इसमें मैंने आपको भी थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है गेट रिड्यूस टू हाफ राइट और ये बहुत ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं उनको जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन किया जा सके कैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं सब क्या हैं सोमैटिक सेल एक्सेप्ट आवर गोनार्ड्स जो कि मियोसाइट है जहाँ के जहाँ पर मियोसिस होता है राइट सो माइटोसिस में मैंने बताया था कि आपको नंबर ऑफ क्रोमोजोम जब सेल डुप्लीकेट होता है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो सेम रहते हैं यानी अगर एक सेल सोमैटिक सेल डिवाइड कर रहा है उसके अंदर फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम है तो जो दो डॉटर सेल बनेंगे दैट ऑल्सो कंटेन फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम ईच राइट बट इन केस ऑफ मियोसिस इफ अ सेल डिवाइड्स तो जो दो डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोजो होंगे ट्वेंटी थ्री इच क्लियर बेटा सो लेट स्टार्ट विद द प्रोफेज वन सो इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड एंड थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसीजर होता है वैन कंपेयर टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द माइटोसिस सो प्रोफेज वन इज फर्दर डिवाइडेड इन फाइव सब स्टेजेस क्लियर प्रोफेज वन के अंदर फर्दर फाइव सब डिविजन्स होती हैं सबसे पहले लिप्टोटीन देन जाइगोटीन देन पैकाइटीन डिप्लोटीन एंड फाइनली डाइकाइनसिस आई एम रिपीटिंग प्रोफेज वन हैज फाइव सब डिविजन्स लिप्टोटीन जाइगोटीन पैचटीन डिप्लोटीन डाइकाइनसिस क्लियर ओके सो लेट स्टार्ट विद द लिप्टोटीन सो लिप्टोटीन इज द फर्स्ट फेज ऑफ दी मीओसिज इन दैट प्रोफेज़ वन तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेज़ में बेसिकली आ, ये देखिए इंटरफेज़ मैंने बताया था कि मीओसिस में पहले इंटरफेज़ में जाना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रियोल लेबल किए गए हैं सेंट्रोस्फियर है, सेंट्रो है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म है सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई गई है उसके अंदर क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस सो इंटरफेज़ बेसिकली ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हमारा जो बेसिकली सेल है वो किस एंटर कर रहा है लिप्टोटीन में अब लिप्टोटीन में क्या होता है जो क्रोमोजोम आप देख सकते हैं यहाँ जो क्रोमैटिन मटेरियल था ये धीरे धीरे कंडेंस हो गया है और कंडेंस होने के साथ साथ यहाँ पे क्रोमैटिन के अंदर है ना बीड लाइक -like अपेयरेंस आ जाएगी इस तरह से ठीक है ये बीडेड फॉर्म में आपको नज़र आएगा इन द लिप्टोटीन एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेंट्रियॉल्स हैं दे स्टार्ट डुप्लीकेटिंग एंड दे स्टार्ट मूव टू द अपोजिट पोल ठीक है जो सेंट्रियल्स हैं वो ऑपोजिट पोल में चले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं सो so, लिप्टोटीन के बाद जनरली जो सेकेंड स्टेज आएगी हमारे वहाँ पे वो है जाइगोटीन सो so, लिप्टोटीन में हमने क्या चेंजेस देखे एक तो क्रोमैटिन जो है कंडेंस हो गया बीड लाइक अपेयरेंस आ गई है एंड देल बी ए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स वो यहीं स्टार्ट हो जाएगी वो कंप्लीट आपको दिख यहाँ पे uh, जाइगोटीन में स्टेज में रही है लेकिन दे बी अ फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर इन द लिप्टोटीन स्टेज ओनली क्लियर सो नेक्स्ट स्टेज इज़ द जयगोटीन अब जयगोटीन में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि क्रोमोजोम यहाँ पे ज़्यादा कंडेंस हो गए यहाँ पे सीनेप्टल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होना शुरू हो गया ये देखिए आप पेयरिंग हो रही है यहाँ पे ठीक है ये हमारे जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं उनकी पेयरिंग हो रही है एंड बी दे फॉर्मेशन ऑफ द बायोलेंट कंडीशन सो ये आपको दिख जो ब्लैक वाले जो ऊपर ये वाला मैंने दिखाया आपको पेयरिंग हुई है वाइट वाले के साथ राइट ये ब्लैक जो है ये खुद में दो हैं सो दिल भी फॉर्मेशन ऑफ द बाइबलेंट वो दिख आपको एक ही रहा है सो so, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सिनेप्सिस का सो वॉट इज सिनेप्सिस सिनेप्सिस इज नथिंग बट दी डायड कंडीशन होती है क्रोमोजोम की जब वो बिल्कुल अपने दे गेट अटैच टू द होमोलोगस क्रोमोजोम से देर इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विच इज नोन एज दी विच इज नोन एज सिनेप्सिस सो वॉट हाउ कैन यू डिफाइन द सिनेप्सिस इट इज नथिंग बट दी द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इज़ नोन एज साइनाप्सिस ठीक है बेटा नेक्स्ट स्टेज अगर आप देखें यहाँ पर तो वो है पैचटीन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सनाप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम कहा गया है एंड क्रॉसिंग ओवर यस सो पैचटीन जो स्टेज है कंपेरेटिवली लॉन्गर है बाकी फेजेस से ठीक है सून आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द साइनैप्सिस जो सेल है वो पैचटीन स्टेज में एंटर कर जाता है और वहाँ कुछ दिन तक रहता है क्रोमोजोम जो है यहाँ पर सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म किए गए हैं अब इनके अंदर क्या हो रही है क्रॉसिंग ओवर ठीक है जो दो क्रोमैटेड हैं बिलोंगिंग टू द सेम क्रोमोजोम जो दो क्रोमैटेड हैं बिलोंगिंग टू द सेम क्रोमोजोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटेड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ इस क्रोमोजोम की तो इसमें दो आर्म्स हैं इजेंट इट सिर्फ इस सिंगल में ब्लैक वाले में दो आर्म्स हैं नंबर वन नंबर नीचे वाली टू इट right? सो so, ये दोनों क्या है आपस में सिस्टर क्रोमैटेड क्लियर और नीचे जो ये वाइट वाला दे रखा है अगर मैं इन दोनों की अगर बात करती हूं तो वो कहलाई जाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमैटेड तो ब्लैक वाला जो है जिसके दोनों जो आम हैं वो सिस्टर क्रोमैटेड कहलाई जाएंगी जो वाइट वाले हैं उसकी दोनों आम सिस्टर क्रोमैटेड कहलाई जाएंगे लेकिन ब्लैक और वाइट की जब यहां पे देखिए आप क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटेड के साथ पेयरिंग अप राइट बेटा सो क्रोमैटेड बिलोंगिंग टू द सेम क्रोमोजोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटेड क्रोमैटेड बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट क्रोमोजोम आर सेट टू बी नॉन सिस्टर क्रोमैटेड ठीक है बेटा ओके okay. अब यहाँ पर आप देखिए कि ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है क्रॉसिंग यानी ब्लैक एंड वाइट के बीच में पेयरिंग हुई नॉन सिस्टर क्रोमैटेड के बीच में इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर और ये जो रिएक्शन है जो प्रोसेस है ये कौन कराएगा रिकॉम्बिनेस एंजाइम ठीक है there is an enzyme called recombinase This recombinase is actually made up of endonuclease, exonuclease, unwindingase, R protein etc. समझ में आया बेटा? So ये जो recombinease एंजाइम है, ये basically यहाँ पे क्या कराएगा? Recombination nodules को form कराएगा. ये जो pairing हो रही है, इसको बोलते हैं recombination या crossing over. राइट right? सो so, अब पैचटीन स्टेज के बाद सेल कहाँ पे जा रहा है अब देखेंगे ये जो एस्टर फॉर्मेशन है धीरे धीरे पहले देखिए बिल्कुल पास थे फिर थोड़ा दूर हुए हैं ऑपोजिट पोल में जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा और दूर हुए हैं अब इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो एस्टर फॉर्मेशन और बढ़ रही है ये अपोजिट बिल्कुल पोल में और इस डायग्राम में जो हमारे सेंट्री ऑल्स बिल्कुल अपोजिट पोल में पहुँच गए राइट नाउ द सेल गेट एंटर इन द डिप्लोटीन स्टेज और डिप्लोटीन स्टेज में आप देख सकते हैं कि जो ये क्रॉसिंग ओवर हो रही थी हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैट्स के बीच में बेसिकली तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे क्या चेंज नज़र आया एक तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दिस वन ये धीरे धीरे देखो टूटनी शुरू हो गई है यहाँ पे बिल्कुल इंटैक्ट है यहाँ बिल्कुल इंटैक्ट है यहाँ बिल्कुल इंटैक्ट है यहाँ पर डिसंटिग्रेशन शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इट इज़ बीन लेबल्ड हेयर ऑल्सो एंड न्यूक्लियस के अंदर जो हमारी राइबोसोम फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा सो दिस इज़ वॉट हैप्प इन केस ऑफ डिप्लोटीन स्टेज और जो हमारे होमोलोगस्ट क्रोमोजोम है ना दे स्टार्ट सेपरेटिंग बट वो एंड से जुड़े रहेंगे वो आपको क्लियरली इस स्टेज में क्लियरली नजर आएगा जहाँ पर डायकाइनिस क्योंकि वहाँ पर टर्नलाइजेशन बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाती है राइट सो डिप्लोटीन स्टेज बेसिकली वेर द न्यूक्लियर मेमरिन स्टार्ट डिसपेयरिंग न्यूक्लियर लस स्टार्ट डिसपेयरिंग एंड होमोलोगस्ट जो क्रोमोजोम है दे ऑल्सो गेट सेपरेटेड वन मोर थिंग यहाँ पर जो ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना है आप देखेंगे जब ये क्रोमैट्स जो हैं होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटेड जो आपस में रिकम्बाइन हुए हैं यहाँ पे ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं इधर देखो यहाँ देखो तो इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कायजमेटा इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कायजमेटा वॉट इज कायजमेटा द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक है इज नोन एज कायजमेटा दिस इज एक्स लाइक स्ट्रक्चर सो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अब यहाँ पे बिल्कुल अपने टर्मिनल एंड से जुड़े रहेंगे ठीक है बेटा नेक्स्ट फेज यहाँ पर जो आएगा वो है डाय काइनेसिस सो बेसिकली यहाँ पे जो आप कायजमेटा आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनल एंड से जुड़े हैं दिस इज कायजमेटा सो ये बिल्कुल टर्मिनल एंड तक पहुँच जाएगा सो कायजमेटा शिफ्ट टुअर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोजोम्स दिस फिना इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन सो द बायलेंट जो क्रोमोजोम्स थे नाउ दे रिमेन यूनाइटेड विद द न्यूक्लियोलस फॉर सम टाइम एंड न्यूक्लियोलस जनरली डिजेनरेट साइमल्टेनियसली जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो भी डिसंटीग्रेट हो चुकी है नाउ द सेल इज रेडी टू एंटर इन मेटाफेज वन ठीक है बेटा सो दिस इज हाउ द मियोसिस वन प्रोफेज वन टेक्स प्लेस तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे हमारी क्या थी uh, हमारी फर्स्ट स्टेज थी लिप्टोटीन उसके बाद जाइगोटीन, पैचटीन डिप्लोटीन एंड फाइनली डाईकाइनसिस सो दिस इज हाउ द मियोसिस वन टेक्स प्लेस सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल सो इन द नेक्स्ट क्लास वी गोइंग टू रीड अबाउट द मेटाफेज वन एंड एनाफेज वन ऑफ द मियोसिस थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ